हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल विच इज़ लर्निंग इंस्टीट्यूट। और आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, बेसिक सर्किट डायग्राम, कम्बिनेशन, सीरीज कम्बिनेशन, पैरेलल सर्किट के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स फर्स्ट है स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज करेंट एंड रेजिस्टेंस, अप्लाई ओम्स लॉ इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। इलेक्ट्रिक करेंट, करेंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चार्ज। तो करेंट एक रेट है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का या चार्ज का। इट इज एब्रिविएटेड एज आई। इट इज मेजर्ड इन एम्पियर। वन एम्पियर इज डिफाइंड एज वन कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पास्ट ए पॉइंट ईच सेकेंड। वन एम्पियर इज डिफाइंड एज वन कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पास्ट ईच सेकेंड। तो रेट ऑफ फ्लो इज द करेंट। वोल्टेज, वोल्टेज इज अ फोर्स that pushes drives the electrons charge. It is also referred to as electromotive force or difference in potential, also known as potential difference. It is denoted as E or EMF. Voltage is measured in volts. Voltage source will have a polarity, negative and positive. Current flows from negative to positive. An alternating current or direct current, AC denote alternating current and DC direct current. DC current की polarity constant होती है और AC current की polarity change होती रहती है, plus minus, up down. Resistance, resistances are the barrier to the flow of charge. It is denoted as R. It is measured in ohms. Resistance एक तरीके का प्रतिरोध होता है सर्किट के अंदर। इलेक्ट्रिकल सर्किट, सर्किट को हम कुछ इस तरह शो कर सकते हैं। ये सेल की तरह काम कर रहा है और यहाँ दो कोई सिस्टम है जो भी। The cell stores chemical energy and transfer it to electrical energy when a circuit is connected. तो cell store करता है रासायनिक energy को, रासायनिक ऊर्जा को, और transfer करता है उसको विद्युत ऊर्जा में, यानी electrical energy में जब circuit connected होती है। When two or more cells are connected together, we call this a battery. तो अगर हम दो या उससे ज़्यादा cells को एक साथ connect करते हैं तब हम उसे battery बोलते हैं। द सेल्स केमिकल इनर्जी इज यूज अप पुशिंग और करेंट राउंड द सर्किट। सेल्स की केमिकल इनर्जी यूज होती है करेंट को पुश करने के लिए किसी सर्किट के अंदर। वट इज एन इलेक्ट्रिक करेंट? एन इलेक्ट्रिक करेंट इज अ फ्लो ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू वायर्स एंड कंपोनेंट। इन विच डायरेक्शन डज द करेंट फ्लोज? From the negative terminal to the positive terminal. तो current का direction negative terminal to positive terminal होता है cell के अंदर। Simple circuit, here is a simple circuit. It has a cell, a lamp and a switch. To make the circuit, सर्किट को बनाने के लिए हमें सारे कंपोनेंट को कनेक्ट करते हैं एक साथ विथ मेटल कनेक्टिंग वायर्स। दीज आर द वायर्स। ये सेल का एक माइनस और एक प्लस और एक। तो अगर स्विच ऑन होगा तो लैंप ऑन हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा तो लाइन लैंप ऑफ हो जाए। सिंपल सर्किट, व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड द लैंप लाइट्स अप।
यानी स्विच को हम बंद कर देंगे तो लैंप लाइट्स अप हो जाएगा। दिस इज़ बिकॉज देयर इज़ अ कंटिन्यूस पाथ ऑफ मेटल, वो इसलिए होगा क्योंकि उस स्थिति में मेटल में कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो जाएगा। इफ़ देयर वेयर एनी ब्रेक्स इन द सर्किट द करंट कुड नॉट फ्लो, अगर इसमें कहीं भी सर्किट ब्रेक हो गई तो करंट फ्लो नहीं करेगी। सर्किट डायग्राम, साइंटिस्ट यूज्ड यूजुअली ड्रा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स यूजिंग सिंबल लाइक सेल, दिस इज सेल, लैंप, स्विच, वायर। जब हमें कनेक्ट करना हो तो हम इसको जोड़ देते हैं सर्किट कुछ इस तरह से। ये सारे सिंबल्स हैं सर्किट डायग्राम के लिए। इन सर्किट डायग्राम्स कंपोनेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग सिंबल, सेल, बैटरी, स्विच, लैंप, बजर, एमीटर, वोल्टमीटर। एमीटर का काम है करंट को मेज़र करना, वोल्टमीटर वोल्टेज को मेज़र करना, मोटर किसी भी सर्किट को चलाने के लिए, रजिस्टर एंड वेरिएबल रजिस्टर। बीच में क्रॉस लाइन से हम यूज करते हैं रजिस्टर से वेरिएबल रजिस्टर। टाइप्स ऑफ सर्किट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, सीरीज सर्किट एंड पैरेलल सर्किट। सीरीज सर्किट का कनेक्शन कुछ ऐसे होता है, माइनस टर्मिनल इधर से प्लस टर्मिनल, और इनका आपस में दूसरे पहले का दूसरा दूसरे के पहले से। पैरेलल सीरीज, पैरेलल सीरीज में माइनस एंड एक तरफ, यहाँ दो कनेक्शन दिख रहा होगा यहाँ और यहाँ, और प्लस वाला यहाँ और इधर। सीरीज सर्किट, द कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड वन आफ्टर द अदर, वन आफ्टर द अदर। दे मेक अ सिंपल लूप फॉर द करेंट टू फ्लो अराउंड, वो एक सिंपल लूप बनाते हैं करेंट को फ्लो करने के लिए। इफ वन बल्ब ब्लोज इट ब्रेक द होल सर्किट एंड ऑल बल्ब्स गोज आउट, और इस सर्किट में अगर एक भी बल्ब फ्यूज होता है तो वो पूरी सर्किट को ब्रेक करता है और साथ साथ सभी बल्ब ब्रेक हो जाते हैं और सभी ऑफ हो जाते हैं। जबकि पैरेलल में ऐसा नहीं होता, पैरेलल सर्किट द कंपोनेंट आर कनेक्टेड साइड बाय साइड, ये दिस इज वन कंपोनेंट, दिस इज सेकंड कंपोनेंट, तो दोनों साइड बाय साइड कनेक्टेड हैं, एक यहाँ से कनेक्टेड है एक इधर से कनेक्टेड है। उसी तरह दूसरा वाला कंपोनेंट यहाँ से कनेक्टेड है और ये यहाँ से कनेक्टेड है कुछ इस तरह। इफ़ वन बल्ब ब्लोज देयर इज स्टिल अ कम्प्लेक्स सर्किट टू द अदर बल्ब सो इट स्टे अलाइट, तो अगर ये सर्किट ब्रेक भी हो जाती है ये वाली तो भी ये कनेक्शन पूरा रहेगा। तो अगर ये सर्किट ब्रेक भी हो जाता है कोई कंपोनेंट, मान लो कंपोनेंट ये वन है ये दूसरा कंपोनेंट है, तो अगर ये कंपोनेंट ब्रेक भी कर जाता है तो भी ये सर्किट पूरी रहेगी, जिसकी वजह से ये कंपोनेंट ऑन रहेगा। मेजरिंग करंट्स, इलेक्ट्रिक करंट मेजर्ड इन एम्पियर यूजिंग एन एमीटर कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट। सीरीज कनेक्टेड इन सीरीज, मेजरिंग करंट, दिस इज हाउ वी ड्रॉ एन एमीटर इन अ सर्किट। तो पहला कंपोनेंट और ये दूसरा कंपोनेंट, दोनों को हम साइड बाय साइड
एक के बाद एक लगाते हैं। यहाँ अमीटर है करंट को मेज़र करने के लिए, यहाँ हम सेल और पैरेलल सर्किट में सर्किट अरेंजमेंट कुछ इस तरह से स्टेप बाय स्टेप और यहाँ साइड बाय साइड मेजरिंग करंट। सीरीज सर्किट करंट इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स इन द सर्किट, तो ये शो कर रहा है सीरीज सर्किट और ये पैरेलल सर्किट। सीरीज सर्किट में हम देख रहे हैं कि करंट इज ऑलवेज सेम, 2 एम्पियर 2 एम्पियर एंड 2 एम्पियर। पैरेलल सर्किट द करंट इज शेयर्ड बिटवीन द कंपोनेंट। यहाँ अगर 2 एम्पियर है सर्किट में तो दोनों कंपोनेंट में शेयर हो जाएगी 1 एम्पियर और 1 एम्पियर। तो क्लियर है, सीरीज सर्किट में करंट कॉन्स्टेंट होता है और पैरेलल सर्किट में करंट डिवाइड हो जाती है। लेकिन पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम रहता है, सीरीज सर्किट में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, इसीलिए घरों में हम पैरेलल सर्किट यूज़ करते हैं वायरिंग में। कॉपी द फॉलोइंग सर्किट्स एंड फिल इन द मिसिंग अमीटर रीडिंग। दिस इज सीरीज अरेंजमेंट एंड दिस इज पैरेलल अरेंजमेंट। तो देख सकते हैं 4 एम्पियर 4 एम्पियर 4 एम्पियर करंट इज ऑलवेज सेम और यहाँ सीरीज पैरेलल सर्किट में 3 एम्पियर डिवाइड हो जाता है 1 एम्पियर 1 एम्पियर एंड 1 एम्पियर। मेजरिंग वोल्टेज, द इलेक्ट्रिकल पुश विच द सेल गिव्स टू द करंट इज कॉल्ड द वोल्टेज। इट इज मेजर्ड इन वोल्ट ऑन अ वोल्टमीटर। तो इलेक्ट्रिकल पुश होना चाहिए वोल्टेज के लिए, यानी वोल्टेज डिफरेंस हो दो टर्मिनल के बीच, इसलिए जनरली हम इसे पोटेंशियल डिफरेंस यूज करते हैं और सर्किट में इसे डिनोट करते हैं। मेजरिंग वोल्टेज, डिफरेंट सेल्स प्रोड्यूस डिफरेंट वोल्टेजेस। द बिगर द वोल्टेज सप्लाई बाय द सेल द बिगर इज द करंट। जितना बड़ा सेल हम यूज करेंगे उतना ज़्यादा करंट मिलेगी। अनलाइक एन एमीटर, ए वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द कंपोनेंट। साइंटिस्ट यूजली यूज द टर्म पोटेंशियल डिफरेंस, शॉर्ट नेम पीडी, व्हेन दे टॉक अबाउट द वोल्टेज। तो ज़्यादातर वैज्ञानिक लोग पोटेंशियल डिफरेंस यूज करते हैं वोल्टेज के टर्म में, वोल्टेज के लिए। मेजरिंग वोल्टेज, दिस इज हाउ वी ड्रॉ ए वोल्ट मीटर इन अ सर्किट। दिस इज सीरीज एंड दिस इज पैरेलल सर्किट। और ये है वोल्ट मीटर जिससे हम वोल्टेज मेज़र करते हैं। तो ये वोल्टेज मेज़र करेगा इस कंपोनेंट के लिए, ये वोल्टेज मेज़र करेगा इस कंपोनेंट के लिए। अगर हमें दोनों कंपोनेंट में मेज़र करना है, इस कंपोनेंट के लिए भी वोल्टेज करना है और इस कंपोनेंट के लिए भी करना है, तो हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कुछ इस तरह। वोल्टेज वोल्ट मीटर, एक वोल्ट मीटर यहाँ, एक वोल्ट मीटर यहाँ, एक वोल्ट मीटर यहाँ और एक यहाँ। तो ये है सीरीज सर्किट और ये पैरेलल सीरीज सर्किट। वोल्टेज इज शेयर्ड बिटवीन द कंपोनेंट। तो श्रेणी क्रम में या श्रेणी सीरीज सर्किट में 3 वोल्टेज डिवाइड हो जाता है 1.5 और 1.5 में। ये वन कंपोनेंट, ये दूसरा कंपोनेंट। पैरेलल सर्किट, वोल्टेज इज द सेम इन ऑल पार्ट ऑफ द सर्किट। यहाँ वोल्टेज सेम रहता है, 3V यहाँ भी है, 3V यहाँ भी है। तो हमने सेल यूज़ किया है 3 वोल्ट का, दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट सपोज फर्स्ट और ये सेकंड। तो हम देख रहे हैं कि वोल्टेज दोनों जगह सेम है, यहाँ भी 3V है और यहाँ भी 3V है।
तो पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम रहता है। मेजरिंग करंट एंड वोल्टेज, कॉपी द फॉलोइंग सर्किट्स ऑन द नेक्स्ट टू स्लाइड, कंप्लीट द मिसिंग करंट एंड वोल्टेज रीडिंग, रिमेंबर द रूल्स फॉर द करंट एंड वोल्टेज इन सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। तो याद रखेंगे रूल्स दोनों, जो करंट और वोल्टेज के लिए था सीरीज और पैरेलल में। हम जानते हैं कि करंट कांस्टेंट होता है सीरीज में और वोल्टेज कांस्टेंट होता है पैरेलल सर्किट में। मेजरिंग करंट एंड वोल्टेज, तो इसे खुद से कर सकते हैं, ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो अगर 4 एम्पियर यहाँ है, जाहिर सी बात है करंट यहाँ सेम रहेगी, तो इस ए का मान भी 4 ए होगा और यहाँ भी 4 ए होगा। वोल्टेज डिवाइड होता है तो 3 वोल्ट यहाँ होगा और 3 वोल्ट यहाँ होगा, 3 वोल्ट 3 वोल्ट आपस में डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली फॉर पैरेलल सर्किट, पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम होता है, तो ये 6V और 6V का सेल हम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ भी 6V होना चाहिए, यहाँ भी 6V, और करंट डिवाइड होती है पैरेलल में तो 4A डिवाइड हो जाएगा। कुछ इस तरह से, दिस इज द आंसर। ये सीरीज सर्किट और ये पैरेलल सर्किट। तो आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हमें कमेंट करके बताएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।